जय हिंद दोस्तों, आज फिर आए हैं गांव जैतो सरजा में, बटाला में है, जिला गुरदासपुर, रंधावा डेयरी फार्म। सोनू जी हैं जो इसका संचालन करते हैं, पुश्तैनी काम है दादा के समय से, और इनके छोटे भाई हैं विक्रम जी जो बाहर जर्मन में रहते हैं। पिछली बार भी हमने आपको मिलाया था, आज फिर इनसे बात करेंगे कुछ जर्मन की भी, अगर हो सकता है वहाँ भी कभी खेतों में जाते हों ये। और इसकी जो ब्यूटी है ना अंकल जी, पहली बारी देखी मैंने, इतनी ब्यूटी भैंस में कभी नहीं होगी। तंदुरुस्त जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, पूरी जबरदस्त है अंकल जी। और एक और बात है अंकल जी, पहले ब्यांत में 17 लीटर इसके नीचे दूध है अभी, 16 से ब्याह नहीं है। हाँ ब्याही है अंकल जी। क्या दिया है इसने? कटड़ी को जन्म दिया। कटड़ी? हाँ। क्या दाम की होगी? दाम तो अंकल जी गाय कोने पे है, प्योर मुर्रा में। प्योर मुर्रा में है अंकल जी, प्योर मुर्रा। तो दाम नहीं बताओगे? दाम अंकल जी हमारा ये काम है ना अंकल जी, माल ऑनलाइन भी बेचता हूँ, किसी वेले कोई गाहक होता है वो 2 महीने में 3 महीने में 4 महीने में पैसा देता है डेयरी वाला। अच्छा। ये बात नहीं है कि कुछ सारा ही नकद लेके आता है। अच्छा। 100 का नोट लेके भी गाय। अच्छा, और ये इस तरीके से भी चलता है? हाँ मेरा यही काम। मतलब अगर बाहर का व्यापारी भी आ जाता तो वो तो चला? नहीं अंकल जी, जेरे से वाक भी होगा ना, वही भैंस और गाय उसको ही दूंगा, जो जो मेरे नज़दीक है वो कोई वाकब बंदा दे दे मुझे, जैसे कोई प्रूफ करा दे के, है ना, कि मैं इसकी जिम्मेदारी ले लेता हूँ, 20 गड्डी दे, माल दे दूंगा, 10 गड्डी 20 गड्डी ऐसी गाय, ऐसी भैंस। हाँ दे दूँ। विक्रम तो जो था वहाँ पर, तुम खेतों तो में भी जाते हो कभी? नहीं खेतों नहीं, नहीं। खेती नहीं होती? नहीं खेती होती है, दूसरी साइड होती है। दूसरी साइड होती है। क्या हाल है किसानों का वहाँ? किसानों का उधर बहुत बढ़िया है। बढ़िया है? बहुत बढ़िया। अपने ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, वो सरकार बहुत हेल्प करती है ना उसकी। अच्छा, रिश्वतबाजी नहीं है? ना रिश्वतबाजी तो 1% भी नहीं है। अच्छा, पानी वानी सब सही है? सब सही है। तो फसलों का कुछ रेट वोट पता चलता है वहाँ? फसलों का रेट उधर फ्लावर का काम ज़्यादा है। अच्छा, फ्लावर का काम ज़्यादा है। फलों का? फलों का, फ्लावर का। अच्छा, फूल और फल का ज़्यादा? हाँ जी। अनाज कम है? अनाज कम है, बहुत कम, क्यों ठंड ज़्यादा पड़ती है ना जर्मनी। अच्छा, तो डेयरी का काम वहाँ भी? डेयरी फार्म भी है उधर। अच्छा, मौका नहीं मिला मेरे को जाने का कभी, मौका नहीं मिला, मौका नहीं। अब जाओगे तो बताओ। हाँ जरूर। ए अंकल जी, पहले ब्यांत की 4 दांत है। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप कुमार। संदीप, आप कितना पढ़े हो? प्लस टू। हाँ जी। तो इस काम की जानकारी पूरी रखते हो? मैंने आपको देखने से शुरू किया था जी। अच्छा, तो चैनल भी चलाते हो? जब आपने चैनल नहीं बनाई थी वो हैं रुड़की वाले की? हाँ, ऊंची रुड़की वाले, ऊंची रुड़की वाले की। अच्छा अच्छा। हाँ, बस तभी से शुरू किया, तभी से शुरू। हाँ जी, हाँ जी। तो खेती है घर में? नहीं जी, बस यही काम है, इतना ही काम। हाँ जी। ये वीडियो बनाते हैं? वीडियो बनाते। अच्छा, ये बाई का अंकल जी ऐसा काम है ना, ये गुरदासपुर अमृतसर मतलब इधर जलंधर साइड बहुत वीडिया मेरे बाई ने बहुत अच्छा काम इसने चलाया है। थोड़े 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 समय च इस आदमी ने बहुत तरक्की की। ये मेरा भरा मेरा साथ भी दिंदा वा, जिथे मैं इन्हू कहां मेरे ना खलोंदा भी है। बाकी ये चलो अपनी तो अंकल जी विजिट जेरी आ पहली दूसरी आ। ये अंकल जी ये भरा पुछ के वेख लो कि मेरा माल किदा का होंगे, होर भी लोगों की वीडियो बना जी कदे अज तक कोई लामा आया हो मतलब हफ्ते हाँ भाजी एक दो तो वीडियो आप बना ही लेने। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। हाँ जी, बढ़िया चलेगा। अच्छा ये बताओ, आपने भैंस रखी है जी, गाय भी रखी है? रखी है। तो कोई सुमेल दोनों का क्या? गाय का ये काम है अंकल जी, गाय जो होती है ना, गाय का दूध होता है, जे एक गाय चोएंगे तो पूरा ढोल भर जाएगा, जे 4 मच्छा चोएंगे तो एक गाय चोएंगे फिर बराबर हो जाएगा। मैं पहले भैंस का काम ही करता ही। हाँ जी। संदीप ने पूछो, और मुझे इसे वीर ने आखिया कि तू गाय का काम भी नाल कर, अच्छी अच्छी गायें लेके आ। मैं ता करके अंकल जी जबरदस्त गायें लेके आया हूँ, इस वीर ने मेरे को बोलिया भी गाय का काम भी करना। हमारा प्रोग्राम देख के बहुत लोगों ने शुरू किया। हाँ जी, 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 और हर स्टेट में किया। बिल्कुल। और अच्छा रोजगार भी मिला उनको। हाँ जी, हाँ जी। हम भी यही चाहते थे। हाँ जी, हाँ जी। कि लोगों को रोजगार मिले। हाँ जी। और ये काम का प्रचार प्रसार। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और वैसा हो रहा है। इसमें तो नीली रावी के लक्षण आ गए? नहीं अंकल जी, मुरा में ही है, नीली रावी नहीं है। पूछ तो हाँ, पूछ है, पूछ थोड़ी ज्यादा है, पर जो अंकल जी इसका आर्डर है ना, जो इसकी क्वालिटी है, पहली बारी देखी, 23 किलो दूध है भैंस के नीचे। क्यों संदीप? नहीं ठीक है जी, दे देगी? नहीं है अभी, है 22 के ऊपर ऊपर है। ब्याई हुई है? ब्याई, सारी भैंस ब्याई मिलेगी। इसने क्या दिया? इसने कट्टा दिया, कटड़ा है ना, कटड़ा है इसका, इसका कटड़ा जी। तो पिछली वीडियो में गाय दिखाई थी जी, तो वो भी सब जो है पहली ब्यांत वाली थी और दूसरी वाली?
हमना और आप भैंस दिखा रहे हो। हाँ जी, ये भी सारी चार दांत और खीरी और दिखा रहे हो। ऐसे है अंकल जी, तो मतलब तब भी तुमने बताया था कि काम जो है बूढ़े लेने के कोई फायदा नहीं है। नहीं अंकल जी, ये बात है ना, देखो जे हम हुन भैंस की वीडियो चल रही है, जे भैंस तीसरे और चौथे ब्यांत ले लेंगे, वो तीसरे चौथे भैंस लिया में तोकड़ जी होती है ना, जो ड्राई में होती है वो अधे मुल में नहीं बिकेगा अंकल जी। मेरे पास जेरी भैंस है, कोई भी गाहक लेके जाता है, आधे मुल में हम जो बाखड़ी होती है ना, आधे मुल में मैं तोकड़ ले लेता हूँ। ऐसा है मेरा डेयरी फार्म बना, मैं डेयरी फार्म च अपने तोकड़ा फिर सामभ के अगले सुबह तैयार करके बेच देता हूँ। कितने में मिल जाती है? जे कोई लाख की लेगा मैं 50 की तोकड़ ड्राई में ले लूँगा, जो दूध में हट जाएगा। तो फिर उसको पालने में कितना खर्चा आएगा? कम से कम 25-30 हज़ार रुपया लग जाता है अंकल जी। उसमें भी आपको 20-25 हज़ार का फायदा हो जाता? हो जाता है अंकल जी, इतना ही है बस। हूँ कुछ क्यों संदीप? हाँ जी सही है। हाँ चलो अच्छा, तो ये जो है इसका दूध कितना रहेगा? इसके नीचे 16 लीटर दूध है अंकल जी। क्या दिया इसने? इसने कटी दी है, कटड़ी। इसने कटड़ी जी दी। अच्छा, कटड़ी को पालने में कितना खर्चा आ जाता है अंकल जी? कटड़ी को देखो, कटड़ी आधा दूध छड़ना भैंस तक, कम से कम भैंस बनने तक कितना खा जाएगी? जे तो ये ऐसी बात अंकल जी, ये सारा खर्चा अगर नहीं, अगर 15 किलो से ऊपर दूध देने वाली है जी जी, तो बछड़ी से मतलब कटड़ी से जो है भैंस बनने तक कितना खर्चा आएगा? कम से कम 1.5 लाख रुपया आएगा। अच्छी तरह पूरे हैं, अच्छी ब्रीड में जब पूरे हैं, शौक ना पाने, कम से कम 1.5 लाख रुपया सूने तिकर। अच्छा हाँ जी, ऐसा है ये तुम्हारा अनुभव है? हाँ जी, यही बात। ले अगली में चार दांत है, ये भी चार दांत है अंकल जी मुँह से। कौन ब्यांत? पहले ब्यांत चार दांत हैं। पहले हाँ, कितना देगी दूध? दूध अभी 17 लीटर है इसके नीचे। 17 लीटर पूरा है। इसने क्या दिया? कटड़ी दी इसने। इसने कटड़ी जी। तो आज तुमने हमको भैंस का पिलाया था, गाय का पिलाया था? क्या जी? दूध हमको जो पिलाया? हाँ भैंस का पिलाया है अंकल। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। चलो दोबारा पी के देख लेंगे। हाँ जरूर पियेंगे अंकल जी। तो अब इसका दाम नहीं बताओ? दाम अंकल जी 1 लाख के ऊपर ऊपर ही है सारी भैंस मेरे पास। अच्छा, लाख के नीचे नहीं है अंकल जी। हाँ तुम हम ये बताओ कि गाय का ज़्यादा फायदा है या भैंस का? देखो अंकल जी, मैं तो पहले गाय की जो गाय परचेज करता पहले नहीं करता। अब संदीप ने हूँ मुझे आख्या कुछ, मैं तुम्हारी अंकल जी वीडियो बहुत देखता हूँ, आप दिल से तुझे मतलब प्रेम करता हूँ अंकल जी, मैं हर वीडियो देखता हूँ। फिर मेरे को भी अंकल जी शौक हो गया गाय का, अच्छी अच्छी गायें ले आके मैं कहा मैं अंकल की वीडियो एक बार लगाऊँगा, जरूर लगाऊँगा। चलो मालिक ने कृपा की, अज तुम साडे घर अंकल जी आए, बहुत बहुत ताडा दिलों धन्यवाद करता अंकल जी। मेरे मन च यो शौक है अंकल बुला के, चंगी अंकल जी चीज़ा ने होनी, क्यों हूँ अंकल जी वेखो न माड़ी जी 10-12 किलो वाली गायें ले आई, वो वीडियो चक पा दी, थोड़े लियाओ। मैं ये गल आना भी गायें लियाओ, भैंस लियाओ, कम साफ सुथरा करो, थोड़ा कर लो। कोई भैन भरा बाहरों गाहक आता चाहे अंदरों अपने लोकल आता, चीज़ एक बार चंगी दोगे बार बार आओ। जे आप कोई धोखा धड़ी अंकल जी उदा ना करांगे, 10 के वीडियो तो होर होणगे, उन्होंने होर देवांगे, फिर अंकल जी काम नहीं चलेगा। अच्छा ये जो तुमने दिखाई है जी जी, तो काली सारी प्योर सफेद, प्योर है, कोई भी ये सफेद बाल तक नहीं, एक सफेद भी बाल नहीं, प्योर काली मतलब है, 100% मोरा के लगे, प्योर मोरा की है, एक रंग है, प्योर जेड ब्लैक है। अच्छा जी, तो इसमें भी सीमन वगैरह फिर आते? हाँ अंकल जी, ये भी सीमन आते हैं। जैसे तो जैसे तुम्हारे पास कौन सा ज्यादा चलता है? अंकल जी मैं ना पहले सीमन लगाता ही, डॉक्टर नु कहना भी चंगा सीमन लाओ, डॉक्टर का ये काम है अंकल जी, वही सीमन होता है। जे आख देना ना 500 रुपये का वो अच्छा है, पर पिछले 40 रुपये का आता है, एक्सपायरी डेट हो। फिर अंकल जी उस जेरे बच्चों ने जन्म दिया, इतने इतने बच्चे सारे, मैं डॉक्टर को बोले मैं कहा तू 500-500 रुपया लेके जाता भैंस का सीमन भरने के, बच्चे कैसे आंदा पिछले ऐसे आते। फिर हार अंकल जी मैं फिर खिजे ने अपना हूँ M29 का बच्चा लेके आया हूँ। अच्छा हाँ, क्रॉसिंग करन डे पे बहुत अच्छा है। अच्छा, तो बाद में दिखाना? हाँ दिखाओ। ये कितना दूध देगी? ये अंकल जी हूँ इसके नीचे 16 लीटर दूध है। इसने क्या दिया है, मेल है फीमेल? इन्हें अंकल जी कटड़ी को जन्म दिया है, फीमेल है, फीमेल है अंकल। 16 लीटर 16 लीटर तो अब तो प्योर मुर्रा में है, प्योर मुर्रा। अच्छा, जब नस्ल में आ जाती है तो दाम बढ़ जाता है अंकल जी? नहीं ऐसा नहीं है, नहीं देखो ये बात है ना, हम एक ऐसे बोली जाएंगे प्योर मुर्रा में, प्योर मुर्रा में लेने का तो ये बात है अंकल जी, अगले से 2-3 हज़ार वध ले लेंगे, पर जो ऐसे पीछे मिले है वैसे ही आगे दूंगा अंकल जी, हमारा ये काम है फालतू। अच्छा पैसा। तो ये बताओ कि सीमन
लगा के फायदा है या क्रॉस करा के? क्रॉस कराने से अंकल जी फायदा। क्यों क्रॉस अंकल जी? सीमन जो आते हैं ना बोल देते ये इसका है ये वो है फलाना, मेरे को नहीं अच्छा लगता अंकल जी। जो अपना घर का कट जिदा है ना हूँ अंकल जी, जिदा पिछले M29 का बच्चा मैं लेके आया 2.5 लाख का कटड़ा लेके आया अंकल जी मैं, वो हूँ कटड़े का बच्चे रिजल्ट 2-3 बैंस और गब्बन हो गया, उसका रिजल्ट आएगा आपे पता लग जाएगा क्या वो। चलो मालिक ने हूँ तू ही आते जाते रहना, आपको भी पता लग जाएगा कैसे बच्चे होते। अच्छा चलो लाग लीजिए। कितनी उम्र की है ये अंकल जी? फर्स्ट में है, पौने 3 साल की है। पौने 3 साल जी। कितने दांत हैं? ये भी 4 दांत है। 4 दांत? 4 दांत है। अब ब्याह गई है? ब्याह गई है। इसको आज 4 दिन सारी ब्याह गई चीजें दी अंकल जी? मैं लेता है ब्याही हुई हो गब्बन, कोई कोई आएगा कोई आएगा। तो कितना है इसके साथ, मेल है फीमेल है? इसमें कटड़ी है। कटड़ा नहीं, कटड़ी कटड़ी को जन्म दिया है। अच्छा जिस दिन तुमने दिखाई है ज्यादातर कटड़ी आ रही है? नहीं कटड़ी भी ज्यादा है और 10-11 बैंस है, कोई कटड़ा दे देती कोई कटड़ी दे देती है। ऐसे सेक्सुअल सीमन आता है? इसमें नहीं आता। इसमें नहीं मोरा में नहीं आता, नहीं आता। गाय में आता, गाय में आता। तो आज ये जो मतलब कि अब तुमने हमको पीछे बताया था ना, इसका पहले दूध बता दो। इसके नीचे अभी 14 किलो खीस ही है। तो कितने तक जाएगी? 17-18 किलो तक जाएगी। जाएगी कितने दिन देगी एक मैं तुम्हें? हाँ जी, एक सुबह में कितनी बार देगी दूध? ये कितने दिन तक देगी? ये देते जो मोरा होती है ना अंकल जी, ये ड्राई पे जो जाते इसको छोड़ना पड़ता कितने है? कितने देर पहले? 2 मिनट। 2 मिनट जी। तो अगर थोड़ा ज्यादा टाइम पे छोड़ दोगे फिर? नहीं ये 2 महीने भी छोड़ो। हाँ 2 महीने जेरे पशु को अंकल जी जो भैंस होती है, अगर कम ज्यादा पे छोड़ोगे फिर क्या होगा? ये नहीं होता अंकल जी, जेरे गाय को दाना मिलता है पानी तो नहीं टाइम से है ना, पूरी सांब है उसको आप छोड़ना पड़ता है, वो नहीं हटेगा। अच्छा हाँ, वो दूध कम नहीं करेगा? नहीं कम करेगा भैंस। तो कई बार मतलब कि अगर 2 महीने से अधिक टाइम पहले छोड़ दोगे तो अगली भैंस पे फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है? नहीं पड़ता। दूध पे कोई अपने पे डिपेंड है अंकल जी, खुराक पे, खुराक पे डिपेंड डिपेंड है सारी बात जे है। जे उसको देखो कई मेरे भाइयों ने इतनी का कौली रखी होती है, जे कौली से पाएगी फिर थोड़ा अंकल जी देगा, इसको तो पहले खवाना पड़ता है। भैंस का दूध क्या रेट बिकता है? 60 रुपये बिकता है। और गाय का? गाय का 45 रुपये बिकता है। तो तुम्हारा सारा लोकल देता है? लोकल अमूल है ना, अमूल कंपनी, उसको देता हूँ। ये जो दिखा रहे हो जी 6 दांत दिखा रहे हो जी, तो ब्याज कौन सी है ये अंकल जी? दूसरा ब्याज है ये? दूसरे में? ये दूसरे में आया। तो अब ये ब्याई हुई है? ये ब्याई हुई। दूध कितना है अभी इसके नीचे? 15 किलो दूध। 15 किलो जी। तो क्या है, मेल है फीमेल? इसके फीमेल है। फीमेल है जी। तो इसका रेट? रेट अंकल जी कितने ही दे दो? 1-15 की दे देंगे अंकल जी। दूध तो कम, 15 लीटर दूध बहुत होता है अंकल जी, भैंस के नीचे 15 लीटर दूध बहुत होता है। कितनी देर में फ्री कर देगी पैसे? 3 महीने में फ्री कर दूँ। कर देगी? कर दूँ। जो ले जाए? जो ले जाए अगर फीडिंग सही करे। हाँ पूरी कर। अच्छा ब्याने के पहले तुमने फीडिंग बताई थी जी, अब ब्याने के बाद जो फीडिंग दोगे तो उसका कोई फर्क होता है? नहीं अंकल जी, फर्क जो होता है ना देखो, जो दाना होता है ना दाना तो वही डालना पड़ता है, बस ये होता है जो घी होता है घी को बाद सोने के बाद बंद कर देते हैं। अच्छा जो हाँ तो वो क्यों बंद कर देते हैं अगर बाद में भी देते रहे तो? नहीं दें बाद में अंकल जी, जो 15 दिन हो जाएगा ना भैंस को बच्चा दी को फिर घी चालू करे फिर। अच्छा। हाँ जे आप ताजी जो ताजी जनी होती है ना भैंस, जे उदो देंगे तो फिर वो पट्ठे नहीं खाएगा पूरा। अच्छा, अंदरों पूरा वो चारा पूरा नहीं? हाँ पूरा चारा अंदरों वो मन भरिया भरिया रहूगा। अच्छा पूरा नहीं खाएगा। घी में ये है? हाँ ये थोड़ा देखो आप भी चारा घटा दे। हाँ जो खाना जो घी दे देंगे फिर पट्ठा कट चुकेगा, जो पट्ठा कट चुकेगा पशु लिस्सा होगा। हाँ जी अंकल जी। ये कितने दांत हैं? ये अंकल जी ये भी 4 दांत है मुंह से। आउटर में सींगों उसके थनों में फर्क? नहीं अंकल जी फर्क नहीं, इसके ना बादी आ जाती है जो दो हरियाणा से बैंस आती है। ये सीधे हो जाएंगे पूरे? जो दो अंकल जी बच्चा लगाएंगे पसमेगा पूरा है कल्ला कल्ला पूरा बराबर हो जाएगा। जो दो अंकल जी आती है ना हरियाणा में गाड़ी में, उदो जो ताजी ताजी बैंस जानती है ना बच्चा देती उसको पल हो जाती है एक पास। अच्छा हाँ पल के जे वो दूसरे पट बहेगी तो दूसरे पास से हो जाएगी, जो दूसरे पट बहेगी तो दूसरे पास से हो जाएगी। अच्छा, तो नहीं फीड हम लोगों की बाहर से भी आती है? हाँ जी फीड हम लोग खुद भी तैयार करते हैं जी। तो अब बाहर वाली का और अपने का तुलना करें कंपैरिजन करें? हाँ जी। तो क्या कहूँ अंकल जी? देखो ये बात है, जो अपना घर का दाना होता है ना वो बहुत अच्छा है, बेनिफिट है भैंस को भी और गाय को भी। जो
आप बोरे में पैक हो लेंगे, उसके बिच पता नहीं अंकल जी क्या आएगा क्या नहीं आएगा। और एक और बेनती है अंकल जी, जेरा दाना बनाते हैं ना, जेरे दाने लोगों ने मशीन लाई है, मशीनरी लगाई है दाना बनाने वाली, लागे जाके दाना आप बनाओ अंकल जी। ये नहीं बात कि उसको फ़ोन करना हैलो भाजी बाऊ जी इतना दाना भेज दो, वो बात हूँ अंकल जी मुक गया। एक दिन मैं ना इतों ना जितों दाना हम परचेज करते जिसों दाना लेने, वो कोई बंदा आदमी कोई दाना लेने उत्थे आया, मैं जाके देखा वो अंकल जी दाने में यूरिया पा रहा था। उससे क्या होता है? यूरिया पाने से डंगर खरता है, जब डंगर खरेगा तो पशु लिस्सा हो जाएगा। वो फिर वो उसको क्या सोच के डालता है? वो ये सोच के अंकल जी डालता है कि ये वंड जरा दाना लेता मेरे से ही ले, और कोई दाना पाए तो भैंस दूध ही ना दे, भैंस बना दे गाय बना दे। यूरिया डालने से कुछ फर्क पड़ जाता है अंकल जी? जेरे आ दाने वाले होते हैं ना जो अपने इसने मशीनरी लगाई है, ये यूरिया पाते हैं, यूरिया ता पाते हैं कि मेरे पास से दाना लेके जाएं, और किसी के लेंगे तो भैंस खाएगा नहीं, जे खाएगा तो दूध नहीं पूरा देगा। तो ये रंधावा डेयरी फार्म के लिए हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो हमारा वीडियो बनाने का मतलब कोई इनकी भैंस या गाय बिकवाना नहीं है। हम ये बताना चाहते हैं कि बाहर जा रहे हैं लोग धड़ाधड़ जा रहे हैं और बेरोज़गार घूम रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। लेकिन अब ये भी तो यंग हैं, खेती भी करते हैं, पशु भी पालते हैं, और देखो कितना आलीशान महल बना रहे हैं, तो सभी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर हम दूसरे को ही कोसते रहें कि भाई वो सरकार ये दे, सरकार सरकार क्यों देगी? सरकार तो वो तो करप्शन करने के लिए जीत के आते हैं और करप्शन करते हैं, तुम्हारा ही पैसा तुमसे छीन के अपने घर उन्होंने भर लेने हैं। लेकिन ऐसे मेहनत कश जो लोग हैं, ये आप लोगों के लिए एक उदाहरण है, प्रेरणा के स्रोत हैं कि काम करो और फल जो है मीठा मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।